माइनक्राफ्ट, अगर क्या हो आप माइनक्राफ्ट के अंदर 100 डे के लिए हनुमान बन जाएं। और इस एपिसोड के अंदर मुझे हनुमान जी की सारी शक्तियाँ मिलेंगी। इन सब के साथ साथ मुझे सारे लोगों को राक्षसों से बचाना पड़ेगा और आखिर में मुझे सबकी रक्षा करने के लिए हेरोप्राइन और गॉडज़िला को भी हराना पड़ेगा। और हाँ गाइस, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, पहले दिन में मैं स्पॉन तो हो चुका हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास कौन सी पावर है। और आप सभी को पता होगा कि हनुमान जी के पास कौन सी शक्तियाँ थी। सबसे पहली पावर होती है उड़ना, जिससे मैं हवाओं की तरह सबसे तेज उड़ सकता हूँ। और समय आ चुका है इन सारी शक्तियों को टेस्ट करने का। ओके, आसमानों को साफ दिखते ही उड़ना पड़ेगा। ओ भाई, क्या स्पीड है यार ये। और सच बोलो कि इन सारी शक्तियों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे खतरनाक और चौंका देने वाली चीज ये है कि मैं इमोर्टल हूँ। इसका मतलब मैं इस गेम में क्या, इस माइनक्राफ्ट में मर नहीं सकता। ओके, सबसे पहले मुझे सबकी रक्षा करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे तो पानी बह रहा है। चलो कोई नहीं यार, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस पानी को रोक देंगे। सिंपल सी चीज यार, इन गांव वालों को पता नहीं यार पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, मुझे इस साइन ब्लॉक को इसके बीच में लगाना है और पानी रुकना बंद हो जाएगा। क्या सिंपल सी चीज है यार। चलो गांव में तो अपना काम हो चुका है, चलो जाके शहर वाले को बचाते हैं। और इस गेम के अंदर मेरा स्पीड सबसे ज्यादा है। और हाँ, इस स्पीड को हैंडल करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है यार। और लगता है कि मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ। सिटी का रास्ता ये साइड ही होगा। और आखिर में उड़ते उड़ते मैं सिटी में पहुंच ही गया। और देखने से ऐसा लग रहा है कि इंसानों ने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली है। और हाँ, मुझे देख के उड़ना पड़ेगा। और मैंने चाहता कि इन सबके कांच टूट जाए। चलो, अच्छी चीज ये है कि यहाँ के लोगों ने रोड को कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा रखा है। अरे गाइस, ये भी देखो यार, यहाँ पे पटरी भी है और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी। चलो एक बार अंदर जाके घूम के आते हैं। अरे ये क्या, सोने से बना हुआ बिल्डिंग। अरे सोना तो हनुमान जी के टाइम में बना हुआ था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख बना दिया था। अरे सोचने की बात ये है कि यहाँ के लोग किधर गए। चलो जाके लोगों को देख के आते यार। ओके, मैंने इस जगह पे भी चेक कर लिया, लेकिन इस जगह पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। और चलो जाके देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे ये क्या हो चुका है, मेरे होते हुए इस जगह का हाल किसने किया। मुझे अच्छे से इस जगह की छानबीन करना पड़ेगा। अरे ये क्या हो चुका है, यहाँ की तो पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है और शायद इन सब का कारण भूकंप ही होगा। ओके, अभी समझ आया, तो ये रहा इस भूकंप का कारण। अरे इसकी चिल्लाने की आवाज से बिजली कड़क रही है और मुझे ध्यान से इस जीव को हराना होगा ताकि मैं लोगों के साथ साथ इस शहर को भी बचा सकूं। अरे ये क्या, इसको मेरी शक्ति का कुछ भी असर नहीं गिर रहा। शायद इसके मोटे चमड़े की वजह से इसे कोई हार ही नहीं पहुंच सकता। और हाँ, मुझे इसे मारने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। शायद मुझे विशाल रूप लेकर इस जीव को हराना होगा। जय श्री राम। ओके, मैं इसके साइज के बराबर आ चुका हूँ और मेरे पास गधे की जगह एक तलवार है। क्या मैं इस तलवार से इस जीव को हरा पाऊंगा। इतने सारे अटैक करने के बाद इसे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा चलता रहा ये पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को क्रैश कर लेगा और मुझे इसे हराने के लिए कुछ नया आइडिया लगाना पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है कि मुझे इसकी पेट में मारना चाहिए, क्योंकि इसकी बाकी की बॉडी पत्थर की बनी हुई है। रात से दिन भी हो चुका है लेकिन इस जीव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। शायद मुझे प्रभु का नाम लेके इसे हराना पड़ेगा। ओके, मैंने इसे इतना तो डैमेज दे दिया है जिससे वो कमजोर हो जाए, लेकिन फिर भी ये जीव हार नहीं मान रहा। अब बस आखिरी बार, जय श्री राम। ओके, इस जीव को मारने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ा। चलो अच्छा है, आखिरकार मैंने इस शहर को बचा ही लिया, नहीं तो ये जीव पूरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को तोड़ के रख देता। चलो शहर को भी बचा लिया, चलो जाके गांव वाले को थोड़ा बचा के आते। और मुझे इसी स्पीड में विलेज तक पहुंचना पड़ेगा ताकि मैं रात होने से पहले विलेज में पहुंच सकूं। ओके, विलेज में पहुंचने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं यार, टाइम तो लगता रहता है। अरे ये क्या, मेरे बिना इन सारे राक्षसों ने इस विलेज को कब्जा कर लिया। और इन सबको बताना पड़ेगा कि इस विलेज का रक्षक कौन है। चलो अच्छा है, ऐसे करते करते मैंने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया। और मुझे पता लगाना होगा कि इन सारे राक्षसों का देवता कौन है। और हाँ, गुड न्यूज ये है कि मुझे फर्स्ट टाइम एक पिरामिड दिखा। और सबसे पहले जाके चेक करते हैं कि इस पिरामिड के अंदर क्या है। अरे यार, मतलब इसके अंदर जाने के लिए बस इतना छोटा सा रास्ता है क्या। चलो कोई बात नहीं यार, मैं अपने हिसाब से कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता हूँ। ओके, अब मैं आसानी से इस पिरामिड के अंदर जा सकता हूँ। और मुझे चेक करना पड़ेगा इस पिरामिड के अंदर मेरे लिए क्या रखा हुआ है। जब मैं इस पिरामिड के अंदर आया तब मैंने यहाँ पे बहुत सारे भूतों को देखा और मुझे देखने के बाद उन सब का हाल कुछ ऐसा हुआ। पिरामिड के अंदर मुझे बहुत ही घटिया चीजें मिली और इसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी सफर की ओर। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे भूतों का बॉस देखा और इसके साथ बात करने के बाद मुझे पता चला कि इन सब का कारण बस इविल हेरोब्राइन है, जिसने माइनक्राफ्ट के अंदर सारे लोगों को इविल बना के रखा है। और शायद मैं इविल हेरोब्राइन के इलाके में आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे वेट करके उसका इंतजार करना पड़ा। और जब मैं उस जगह पे पहुंचा
तब मेरा एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया और फिर उसके बाद मेरा सामना इविल हेरोब्रेन से हुआ। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah they're hearing me laugh, all the crowds repping the sound, I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something, I ain't bluffing, I got a full hand, and a full plan, I ain't gonna stop till I'm at the top, man, every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. और हेरोब्रेन को हराने के बाद मैंने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को मुक्त करा दिया। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ, सो गुड बाय।